हे एवरीवन, मैं सरिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हॉल है साड़ियों का हॉल फ्रॉम मी शो। काफी अफोर्डेबल साड़ियां हैं और जो फेस्टिव वेयर भी है, मतलब आप फेस्टिवल में पहन सकते हैं, शादी आ रही है शादियों में भी पहन सकते हैं। और ये साड़ी है वो साड़ियां, तो चलिए एक-एक करके ओपन करते हैं और फिर बात करते हैं आई कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है, खरीदने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले कौन सा खोले, चलो रेड वाला खोलते हैं। मतलब रेड तो साड़ी चाहिए चाहिए होती है सबको, और पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी। ये है साड़ी, ये है साड़ी, नेट की है। अच्छा, कैमरे पे ना थोड़ा रेड ज्यादा अच्छा दिख रहा। रेड के साथ ये होता है कि कैमरे पे थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट सुंदर सा दिखता है। थोड़ा सा ये मतलब खराब रेड नहीं है, बट इसमें फोन कैमरे पे देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा तुरंत खरीद दो। बट ओके, कलर खराब नहीं है। ये है साड़ी नेट की। अब मैं इस साड़ी के बारे में बता दूं, पहले पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। कहाँ गया, हाँ, कई कलर्स में अवेलेबल है। ये तो मैंने नेट रेड बीड स्टोन साड़ी विद ब्लाउज, 421 रेट है इसका, फ्री साइज ठीक है। साड़ी का फैब्रिक नेट है, ब्लाउज रनिंग ब्लाउज फैब्रिक बनारसी सिल्क इन्होंने दिया है। अब देखते हैं कई कलर्स में, अगर आपको कोई और कलर्स, ब्लू है, पिंक है, काफी कलर्स हैं, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रे भी है, ऑरेंज भी है, तो जो पसंद हो वो ट्राई कर सकते हैं। पहले इसकी बात करें हम 421 के अकॉर्डिंग। यार ये मुझे बहुत छोटी लग रही है क्या, शिट, इसकी चौड़ाई छोटी ना हो मुझे लग रहा। ओके, पहन के आएंगे तो पता चलेगा। पहले देखते हैं, बात करते हैं 421 के अकॉर्डिंग क्वालिटी। ये साड़ी है और ये देख रहे हैं ये बीट्स इस तरह लगे हैं, मतलब जिस हाफ मोती होते हैं ये पेस्ट है, ये आप धुलेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, ये इसके साथ फ्लॉज है। ये देखें, और पूरा ये सब जरी का काम है, बॉर्डर पे जरी का काम है। ये इस तरह की साड़ी है, बीच बीच में बीट्स का काम है। ये देख रहे हैं ये सब, ये मुझे थोड़ा सा इसका लेंथ कम लग रहा है, ऐसे देख के पहन के आऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ गया इसमें पेपर। और ये है ब्लाउज का बनारसी सिल्क फैब्रिक, ब्लाउज का कहा है उसमें। ये देखिए ब्लाउज का फैब्रिक है, डबल है, मतलब ये डबल करके इसमें स्टिच किया गया है। ठीक है यार, 421 के अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा, पहन के आए कि लेंथ वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा कि कम है, मैं पहन के आती हूँ फिर ज्यादा समझ में आएगा। चलो फिर पहन के। पहली चीज, साड़ी के साथ जो मुझे लग रहा था ना कि ये चौड़ाई में कम है, ऐसा कुछ नहीं है, चौड़ाई प्रॉपर है। पहनने के बाद फील हुआ कि यार जैसे नॉर्मल साड़ियां होती हैं वैसी होती है, मगर ये जो मोती लगी हुई है ना, ये तो भाई पूरे रूम में टक टक करके गिर रहे थे, पूरे ही गिर गए, मतलब आधे तो गिर ही गया, एक दो बार पहनेंगे तो पूरे गिर जाएंगे और वॉश करेंगे तो डेफिनेटली पूरे मोती गिर जाएंगे। तो ये साड़ी ऐसी है कि ये मोती तो इसके किसी काम के नहीं। गोल्डन थ्रेड वर्क है वो अच्छा है, जो नॉर्मल नेट पे भी थ्रेड वर्क है वो भी अच्छा है, मगर ये मोती जो इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं साड़ी की ना, वो एकदम पूरे खराब हो जाएंगे, एक से दो बार में तो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। मैंने पहली बार जैसे पहना वैसे पूरे रूम में टक टक करके गिर रहा है, अभी देखो तो पता चलेगा सारा मोती आधा जो चिपके हुए पूरे ही निकल गए हैं। और बाकी थ्रेड वर्क जो है वो अच्छा है, बट जो शोभा इसकी साड़ी की उस मोती से है ना, वो तो गड़बड़ी है। देखिए इस तरह पूरे गिर रहे थे, देखने में कैमरे पर बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी, बड़ी प्यारी सी, रेड बढ़िया सी, मगर एक्चुअल में ना गड़बड़ है। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी कि इसे मत ट्राई करें, मतलब 400-500 जो भी लगाएंगे यार पूरा खराब ही हो जाएगी साड़ी, तो क्या फायदा, एक बार से ज्यादा तो पहनने लायक बचे गई नहीं, ऐसे खराब ही हो जाएगी। तो मेरी तरफ से ना है, बस देखने में सुंदर लग रही है, रेड पहनो तो कितनी प्यारी सी आ रही है, कैमरे मुझे भी, मैं भी बड़ी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन साड़ी बहुत बकवास है, मत ट्राई करें, पैसे खराब हो जाएंगे। ओके, अगली साड़ी ये है, इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। ये है ये साड़ी, ये कलर बहुत खूबसूरत है इसका। अच्छा, इसके बारे में पहले मैं बता दूं इसका, हाँ, ये है येलो कलर्ड नेट साड़ी विथ टेसल्स। ये टेसल्स दिख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है यही सब है, ये अच्छा है, खराब नहीं हुआ, इसे देख के समझ में आ रहा। और रेट 457 है इसका। ब्लाउज पीस दिया है सेपरेट नेट फैब्रिक, ये भी ठीक है। टेसल्स, लटकन एंड ब्लाउज, रेट मैंने बता दिया ना 457, और कई कलर्स में अवेलेबल है। येलो मैंने मंगाया, अब देखें
ये कैसी है। ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। अच्छा लग रहा है यार, वाओ। ये देखिए पास से देखिए तो ये अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, नेट भी अच्छा है, नेट का फैब्रिक जो है, और ये जो टेसल्स इस तरह दिख रहे हैं ना, टेसल्स है ये भी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये है ब्लाउज का पीस और मुझे लग रहा है काफ़ी सफिशियंट फैब्रिक है ब्लाउज के लिए। ये है ब्लाउज का और ये है पूरी साड़ी। ये बॉर्डर सॉरी ये आंचल की साइड का इस तरह लटकन या टेसल्स इस तरह दिए गए हैं और ये पूरी साड़ी ऐसी ही है। ये अच्छा लग रहा है, ये जो इस तरह दिया गया है ना, इसे क्या कहते हैं, ये टेसल्स, ये भी इसे ही कहते हैं। तो ये अगर टेसल्स ये ना तो सुंदर लग रहा है, इससे अच्छा अच्छा लुक आएगा मुझे लग रहा है। ये नीचे की साइड का साड़ी होगी, ये ऊपर की साइड की होगी, तो ये सही लग रहा। अच्छा पहन गया मैं तब समझ में आएगा कि लग गया। अच्छा रेड वाले की जगह आप इसे ट्राई करें, बहुत अच्छा नेट का फैब्रिक इसका भी है और लेकिन ये बड़ी सुंदर सी है, कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी नहीं है ना, तो इसमें कुछ ख़राब होने का भी नहीं है। 500 के अंदर देख रहे हैं ना, तो पार्टी वेयर भी बड़ी सुंदर सी, उसका कलर जो इसमें वो टेसल टाइप का जो लगा है ना, बड़ा सुंदर इसकी मतलब लुक को इन्हेंस कर दे रहा है, लेंथ वगैरह सब बढ़िया है, इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कई कलर्स में है, मुझे ये साड़ी बड़ी सुंदर लग रही थी, पहनने ड्रेप करने में भी इजी है, प्लेस देखिए प्रॉपर आ रही, लंबाई चौड़ाई में मेरी हाइट पे तो कम नहीं हुई, मुझे तो कम नहीं पड़ी, जैसे मेरी हाइट 5'6" है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा था। इस ब्लाउज पर भी अच्छा लग रहा था और ये मैंने चूड़ी के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, चूड़ी से पहनने की कोशिश की इस तरह प्लीट्स बनाने की। आप इसे जैसे पहने साड़ी अच्छी लग रही है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अंडर 500 देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, क्वालिटी 10/10 है, पहनने में कंफर्टेबल है और पार्टी वेयर तो है ही, देख के पता चल रहा, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली साड़ी है, कहाँ से चलेगा भी? ये सैटिन मटेरियल में साड़ी है, पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी और रेट वगैरह मैं बता दूं पहले। हाँ 421 में ये इसका रेट 421 है और कई कलर्स में अवेलेबल है, बांधनी प्रिंट में है, ठीक है, रनिंग ब्लाउज, इटालियन सिल्क मटेरियल, ये सैटिन टाइप का है। इसका मटेरियल ऐसे देखिए तो समझ में आ रहा होगा, शाइन कर रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा, प्रिंट बांधनी जो प्रिंट है वैसा है, मटीरियल इसका अच्छा है, एक्चुअल में मटेरियल बहुत प्यारा है और प्रिंट तो देख ही रहे हैं अच्छा है, तो मुझे लग रहा है सुंदर साड़ी है, नॉट बैड, अच्छी लग रही है। हाँ ये उसमें कलर थोड़ा डल दिख रहा है क्या, नहीं बट ये अच्छी साड़ी लग रही है। ये है ब्लाउज का फैब्रिक, ओके अब मैं पहन के आती हूँ तब समझ में आएगा मेरे पास ऐसा ब्लाउज है नहीं, मेरे पास पिंक ब्लाउज है, तो मैं पिंक ब्लाउज के साथ इसे पहन के आती हूँ, फिर समझ में आएगा कैसा आ रहा है। चलो फिर इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो काफ़ी बढ़िया है यार, जैसे सॉफ्ट सा सैटिन टाइप का है, वैसे पहनने में ड्रेप करने में बड़े इजी है, पल्लू जो आंचल का एरिया दिया है वो बढ़िया सा है, कई कलर्स में है तो आप कोई भी कलर ट्राई कर सकते हैं। और जिसका ब्लाउज है ना वो ब्लू में, लेकिन मैंने पिंक के साथ पहना वो भी अच्छा लग रहा था, पिंक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। तो लेंथ वगैरह तो मुझे कम नहीं पड़ा, मतलब मेरी हाइट पर एकदम प्रॉपर है, फैब्रिक भी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, 500 के अंदर की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है साड़ी की, पार्टी वेयर में पहन सकते हैं, ये डेली वेयर में भी अच्छी लगेगी, तो ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही थी, पिंक ब्लाउज के साथ काफ़ी सही जा रही थी, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसे। ये वाली साड़ी ओपन करते हैं, फैब्रिक तो ठीक लग रहा है, ओके थैंक यू फॉर शॉपिंग, स्टार भी दीजिए इसमें, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ठीक है रिव्यू करिए और ये सब लिखा हुआ है। अच्छा यार पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी, देखिए ये साड़ी है अच्छी लग रही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा इसके बारे में बता दूं मैं, रेट वगैरह क्या है, सॉरी 477 रेट है इसका, फैब्रिक है जैक्वार्ड, जैक्वार्ड फैब्रिक होता है ये, समवेयर जैसे सिल्क का होता है उस तरह का, देखिए पास से समझ में आएगा वैसा है, सिल्क थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, अब ये पहनने में ड्रेप करने में कैसा होता है ये पहन के पता चलेगा। दो कलर है इस तरह, ग्रीन और पिंक है, हाँ ग्रीन और पिंक, पिंक ब्लाउज ही होगा। लेंथ वगैरह दी है 5.5 मीटर 0.8 मीटर ब्लाउज का है,
ये तो साड़ी ओपन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। ये देखिए पिंक कलर का ये ब्लाउज का पीस है, अच्छा लग रहा लेकिन ठीक है यार, मतलब 500 के अंदर जितनी भी साड़ियां थी सब 500 के अंदर है, तो 500 के अकॉर्डिंग ठीक है, क्वालिटी इसकी खराब नहीं है 500 के अकॉर्डिंग। देखें पास से समझ में आएगा, जैसे ये फैब्रिक जान जैसे सिल्क का होता है ना, जैसे शाइनिंग होती है वैसी ही लमसम होता है, बस पहनने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैसे पहनने पे कैसे आएगा ये समझ में, पहनूंगी तब आएगा। तो सबसे पहले मैं पहन के आती हूँ, तो बाकी तो ब्लाउज मैंने दिखाई दिया कैसे है ऊपर, और पूरी साड़ी ऐसी ही है। ये देखिए चले मैं पहन के आती हूँ फिर ज्यादा समझ में आएगा। आंचल इसका कहाँ गया, ये ब्लाउज ही है ना? हाँ यार ये ब्लाउज है, आंचल आंचल एक मिनट आंचल कहाँ गया, ये वाला, अच्छा ये वाला पोर्शन है आंचल, ये है आंचल, मैं पहन के आती हूँ फिर समझ में आएगा, लेट्स गो। अच्छा 500 के अंदर सिल्क की साड़ी तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, लेकिन इसका फैब्रिक लमसम जैसे सिल्क का होता है वैसे ही है, पार्टी वेयर लुक आता है इसे पहन के। ब्लाउज इसका पिंक ही है तो ये इस ब्लाउज के साथ जा रहा था। अच्छा क्वालिटी साड़ी की 500 के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया है, बट इसे पहनाने के लिए ना एक लोगों की तो हेल्प चाहिए ही चाहिए, और मैंने अकेले पहना तो बहुत अच्छे से ड्रेप नहीं हो पाई, प्लेट्स वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाई, लेकिन पास से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा साड़ी की क्वालिटी अच्छी है। आप पार्टी वेयर अभी दीपावली वगैरह आ रहे हैं, पूजा वूजा के लिए भी बहुत अच्छी है, 500 के अंदर देख रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट इसे पहनाने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, प्रॉपर प्लेट्स बन जाए या तो आप पहले से प्रेस करके रख के पहनने से, इस तरह की साड़ियाँ जो होती है ना उन्हें पहले से ऐसे प्लेट्स बना के प्रेस करके रखो ना तो आराम से पहन जाती हैं, मैं तो यही करती हूँ। तो इसमें अकेले मैंने ट्राई किया, अकेले पहन रही थी तो प्रॉपर प्लेट्स नहीं बनी, अदरवाइज 500 के अंदर इसकी क्वालिटी अच्छी है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। अब इन सब में मेरी कौन सी फेवरेट है? अच्छा जैसे अंडर 500 जितनी साड़ियाँ थी, अंडर 500 थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वालिटी बताऊंगी कि मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सब वाव 500 से ऊपर ही लग रही है, मतलब 500 के अंदर है तो रेट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रही है। जो सबसे अच्छी वो येलो वाली ये मुझे लगी, ये बहुत सुंदर है, मतलब फैब्रिक भी अच्छा है और ये सब ना थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक दे रहा, तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगी। और जो खराब लगी वो रेड वाली, ये मतलब ये आपको जो इसमें क्वालिटी है, ये जो इसका है ना मोती, ये पूरा टक टक करके गिरता जा रहा तो ये खराब हो जाएगी, तो यानी 400-500 जो भी इसमें खर्च करेंगे आप पैसे वो डूब जाएंगे, तो ये मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी। उसकी जगह आप ना ये येलो वाली ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी है 500 के अंदर तो काफ़ी बढ़िया है। जो मैं पहनी हूँ ये भी 500 के अंडर ही है, ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये ब्लू वाली ये भी अच्छी है, बट रेड वाली जिस तरह से गिर रही है ना, खराब हो रही है, तो मुझे लग रहा है वो तो एक पहनेंगे आप, एक बार पहन के कहीं भी पार्टी वार्टी में जाएंगे उसके बाद वो खराब ही हो जाएगी, तो उसके साथ ये फ्लॉज है। बाकी साड़ियाँ बाकी सारी मुझे ओके लगी, मतलब 500 के अंडर देख रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कहें। बाय।